जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारदगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। आज क्लास 9th में एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाला जो चैप्टर चल रहा था वो था ऑपरेशन ऑन रियल नंबर एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। आज जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है पॉलिनोमियल। ऐसे तो पॉलिनोमियल हम ऐसे भी 10th में पढ़ा चुके हैं और 10th में भी हम थ्योरी पूरा बता दिए हैं, फिर भी आप 9th क्लास के हैं तो देख लीजिए। अगर किसी को बहुत जल्दीबाजी है या थ्योरी और अच्छा देखना है तो 10th क्लास का पॉलिनोमियल जाके चेक करोगे, वहाँ पर भी हम थ्योरी बताए हैं। एक और चैनल है, ठीक है, अक्षय सर नारदगंज वाले, उस पर जाके चेक करोगे तो वहाँ पर भी NCERT का पॉलिनोमियल हम बताएं, तो वहाँ पर भी देख लीजिएगा। और नहीं तो छोड़ो, इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं, बंद करो। आप 9th के, हम डायरेक्ट यहाँ स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। पहले पॉलिनोमियल से पहले दो चीज़ें जाननी है। एक तो आपको जानना है वेरिएबल टाबोस और दूसरा है कॉन्स्टेंट। वेरिएबल और कॉन्स्टेंट। वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर मान और कॉन्स्टेंट को कहते हैं अचर मान। अब होता क्या है ये वेरिएबल और कॉन्स्टेंट? देखो, किसी भी चीज़ को जिसको हम लोग मापते हैं, अगर उस चीज़ के बारे में हम बोल रहे हैं, जाहिर सी बात उसका मेज़रमेंट होगा। अगर वो मेज़रमेंट फिक्स है, तो जाहिर सी बात है, बिना चश्मा के रिकॉर्ड करते हैं ना तो आँख से पानी बहता है, सॉरी। अगर वो मेज़रमेंट फिक्स है, उसका वैल्यू फिक्स है तो बोलेंगे वो कांस्टेंट है, और फिक्स नहीं है तो बोलेंगे वेरिएबल है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो किसी बच्चे को हम कह दिए कि जाओ कुर्सी लेके आओ। अब सिर्फ कुर्सी बोल देने से कि कुर्सी लेकर आओ, अगर वो एक कुर्सी लेके आता तब भी हम उसको कोई बात नहीं बोलेंगे, दो कुर्सी लेके आएगा तब भी हम उसको डांटेंगे नहीं। हम बोले थे सिर्फ कुर्सी लेके आओ, तो 50 को कुर्सी लेके आ गया, तो इस वजह से हम उसको डांटेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। ये नहीं कह सकते हैं कि तुम गलती किए, हम तो सिर्फ ये बोले कुर्सी लेके आओ तो कुर्सी लेके आ गए। कह सकते थे चार कुर्सी बोले थे, चार अब बोले भी नहीं किए थे, आप तो सिर्फ कुर्सी बोले थे, और कुर्सी मतलब एक या दो कुछ भी ला सकता। तो इस तरह से आप जो बोलते हैं कुर्सी लेके आइए, तो कुर्सी का कुछ ना कुछ तो मेज़रमेंट होगा, और वो जो मेज़रमेंट होगा वो अपने मन से कुछ भी मान सकता है, चर मान। चर मान क्या होता है? विचरना। चर मतलब बदलना। जैसे देखो, दो टर्म आप लोग सुनते होंगे, गाय घास खाती है, बचपन से आप लोग सुने होंगे गाय घास खाती है और देखो गाय चरती है। गाय घास खाती है और गाय के चरने में अंतर क्या होता है? अगर हम कहते हैं कि गाय घास खाती है, मतलब एक जगह गाय बंधल है और वहीं पे मान लो कि गाय घास खा रही, जो भी समझो फिगर गाय घास खा रही, और गाय चरती है, इसका मतलब ये होता है कि गाय घूम घूम के इधर उधर विचर के घास खाती है। तो चरने का मतलब होता है इधर उधर डोलना, आना जाना, घूमना, घूम घूम के खाना, यानी बदलना। तो वही चर से यहाँ पे चर मान बना हिंदी में, इंग्लिश में तो वेरिएबल है ये, यानी वैसा मेज़रमेंट या वैसा मापन जिसका मान निश्चित नहीं होता है, हम अपने स्वेच्छा के अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। जैसे अगर कह दिया कि जाओ रे बाबू बाज़ार से तेल लेके आ जाओ, अब जाहिर सी बात है आपसे सिर्फ कहा गया कि तेल लेके आओ, आप 1 किलो तेल लेके आइएगा, 1 लीटर तेल लेके आओगे, 2 लीटर तेल लेके आओगे, आप जितना तेल लेकर आओगे उसको एक्सेप्ट करना होगा। अगर वो कह देगा आप 2 ही बूंद तेल ला के दे दीजिए, उसको भी एक्सेप्ट करना, क्योंकि आप तो सिर्फ हमको ये बताए थे कि तेल ला कर दो, ये तो बोले ही नहीं कि कितना तेल ला कर देना, 1 किलो 2 किलो 3 किलो देना कितना आखिर, ये तो आप बताए ही नहीं थे। तो जहाँ पर मेज़रमेंट है, ऐसा नहीं कि आप तेल ला के नहीं दोगे, जो भी तेल ला के दोगे उसका कुछ ना कुछ मेज़रमेंट होगा, तो मेज़रमेंट फिक्स नहीं है, कोई अपने मन से मान सकता है, और ऐसे मान को ही हम लोग कहते हैं वेरिएबल, चर मान। यहाँ पर जो आप अपने मन से मान सोच लेते हो वो चर मान है,
कोई भी कुछ भी मान लेगा। जैसे एक लड़के को बोले जाओ बाजार से दूध लेके आओ, वो दौड़ल गया बाजार से दूध लावे चल गया। एक और लड़के को बोले बाजार से जाओ दूध लेके आओ, वो भी गया दौड़ के लेके चला गया। एक और लड़के को बोले, तीन लड़के को बोले कि जाओ दूध लेके आओ, तीनों लड़का गया बारी बारी से। एक लड़का लेके आया 1 लीटर दूध, दूसरा लेके आया 2 लीटर, और तीसरा जो है आधा लीटर। तो तीनों के तीनों सही है, क्योंकि हम तीनों को तो ये बोलवे नहीं किए थे कि दूध लाना कितना है, सिर्फ कह दिए थे दूध लेके आओ। मतलब हम मेज़रमेंट फिक्स तो करवे नहीं किए थे, और जब फिक्स करवे नहीं किए थे तो कुछ भी मान सकता है। यानी यहाँ पर जो मान अपने मन से मानता है वो चर मान है, और चर मान यही है। चर मान क्या होता है? तो वैसा मेज़रमेंट या वैसा मापन जिसका मान फिक्स नहीं हो, जिसका मान निश्चित नहीं हो। हिंदी में लिख सकते हैं वैसा मान या वैसा मापन जिसका मान निश्चित नहीं हो। इंग्लिश में चलो पहली बार आपके सामने में इंग्लिश लिख रहे हैं, ऐसे जनरली 9th-10th में इंग्लिश हम लिखते नहीं हैं। द मेज़रमेंट हैव फिक्स्ड वैल्यू, सॉरी द मेज़रमेंट हैव नॉट फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल्स द मेज़रमेंट्स कर दो वेरिएबल्स। जनरली इंग्लिश नहीं बोलते 9th-10th में, हम पूरा इंग्लिश जो भी है वो ISC के लिए संभाल कर रखते हैं। 9th-10th वाले समझते हैं आप लोग बच्चे हैं तो इंग्लिश कम बोलते हैं। फिर भी हिंदी में आप समझिए ना कि वैसा मापन जिसका मान हिंदी वाले लिख लेंगे हिंदी में भी, ऐसा नहीं कि हम हिंदी नहीं बोलेंगे। देखो हम इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं यही चलते धीरे धीरे। वैसा मापन जिसका मान निश्चित नहीं होता है उसे चर मान कहते हैं। तो अचर मान इसका उल्टा हो गया, वैसा मापन जिसका मान निश्चित होता है। इसमें आप कह दीजिएगा द मेज़रमेंट हैव फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट हो गया, जैसे मिल्क बोल रहे हैं ना तो मिल्क को आप स्मॉल m लिख दीजिए, कुर्सी बोल रहे हैं तो सी मने चेयर लिख दीजिए, सेव मने एप्पल लिख दीजिए। तो ये सभी चीज़ें जो हम मानते हैं ये वेरिएबल हैं। हालांकि मैथ में MCA इस तरह का नहीं, तो XYZ माना जाता है। XYZ कुछ भी हो सकता है, ABC भी चल सकता है, कुछ भी जिसको हम मानते हैं माना। जैसे कि यहाँ पर किसी कोचिंग की बात करें, मान लो इस कोचिंग में लड़के बैठे हुए हैं तो लड़कों की संख्या कितना होगा? अरे लड़का है तो उसका ज़रूर कुछ ना कुछ संख्या होगा, 4, 5, 6 कुछ तो होगा। लेकिन हम कह रहे लड़के बैठे हुए हैं, अब कितने लड़के हैं? तो लड़के होंगे 10-20। अरे तो ऐसे ही सिचुएशन में लड़कों की संख्या तो है, जैसे यहाँ पे कितने लड़के हैं? मेरे कोचिंग में लड़के हैं बस। अब इससे समझ में आता है कि लड़के हैं। अब 2 लड़का 4 लड़का 3 लड़के 6 लड़के समझ में, सिर्फ लड़के बोल दिए तो ऐसे ही सिचुएशन में कह दिया जाता है कि एक्स लड़के, या फिर लड़के के लिए बी मान लिया जाता है बॉयज़। मेरे यहाँ पेंस हैं तो कितने पेंस हैं? 10-20। तो पी को पी से पेंस बस। अब कई पेंस है तो उसको फिक्स करने के लिए उसके आगे नंबर लगाया जाता है। यानी XYZ जो हो गया वेरिएबल हो गया, MCA जो भी बोलो ये सब वेरिएबल हो गया। लेकिन अगर कोई नंबर की बात कर दी जाए 1, 2, 3, 4 डॉट 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 तो ये हो गया कॉन्स्टेंट। ये जो लिखे हैं कॉन्स्टेंट, कभी कभी कॉन्स्टेंट जो होता है ना वहाँ पे ABC भी मान लिया जाता है कि ABC आर कॉन्स्टेंट। तो वो तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि आर कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अचर मान, और वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर मान। तो ये पूरा के पूरा जिक्र हुआ चर मान और अचर मान पर। अब जरा चर मान और अचर मान से आगे की दुनिया में आते हैं। लग रहा होगा कुछ बच्चे को ये कौची बकवास कर रहे हैं, चैप्टर है पॉलिनोमियल पढ़ा रहे। अरे यार डायरेक्ट आप पॉलिनोमियल में नहीं जा सकते हो जब तक इन सब चीज़ों का ज्ञान ना होगा। जैसे वेरिएबल तो आप समझ गए, वेरिएबल्स नहीं हो समझे तो आप याद रखो कि XYZ ABC सब वेरिएबल है। और कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट में कोई भी नंबर उठा लो 1, 2, 3 कोई भी नंबर ETC, तो ये XYZ ABCD जो भी है नंबर ये कॉन्स्टेंट है। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे कैसे? तो विद द हेल्प ऑफ
मैथमेटिकल ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब किसकी मदद से जोड़ेंगे, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन की मदद से। अभी मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, हिंदी में इसको कहा जाता है गणितीय संक्रियाएं। अब जो बच्चा होगा उससे पूछे कि गणितीय संक्रियाएं आप जानते हो, तो कहेगा तुरंत मुड़ी डोला के नहीं नहीं जानते हैं। अरे गणितीय संक्रियाएं आपको बचपन से पढ़ा बन जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है क्या, बहुत बड़ा ऑपरेशन है, डॉक्टर जी के ऑपरेशन करना है या डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे आप, वो सब बात है। मैथमेटिकल ऑपरेशन आप बचपन से सुनते आ रहे, जोड़ घटाओ गुना भाग, जोड़ घटाओ गुना भाग, पूरा के पूरा मैथ्स इसी पे टिका हुआ है, जोड़ घटाओ गुना भाग। मेरे यहाँ एक बच्चा आया आईएससी में ऑफलाइन में, उसको बोले जोड़ घटाओ अगर आता है ना बाबू तो दुनिया के कोनों में सीख जाओगे, समझ में आ जाएगा। पता हाँ वैसे तो सभी सिखा देगा, तो सही बात है। अगर आपको जोड़ घटाओ गुना भाग आता है हर तरह का, अगर जोड़ घटाओ गुना भाग आता है तो भी इनके जोड़ आसानी से सीख जाइएगा, क्योंकि एलसीएम आपको आ जाएगा। मतलब देखो उतना बकवास नहीं करना यहाँ पे, जोड़ घटा गुना भाग आपको अगर आता है तो जो जोड़ घटा गुना भाग आप बोलते हैं वही तो है मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसी को तो हम लोग कहते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन किसे कहते हैं, जोड़ घटा गुना भाग, यही है गणितीय संक्रियाएं। तो जब आप जोड़ घटा गुना भाग इन चारों में से किसी का भी इस्तेमाल करके अगर आप चर मान और अचर मान को एक साथ रखते हो, चर मान और अचर मान, देखिए चर मान मतलब वेरिएबल, जैसे सपोज दैट ये चार है और ये एक्स है, तो चार को तो हम लोग बोलेंगे कि चलो बारी चार जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हिंदी में जानते हैं ना, अभी बोले थे कांस्टेंट मतलब अचर, और एक्स जो है वेरिएबल है, अभी बोले थे हिंदी में हम कि चार मान है, तो ये अचर है और ये चार मान। अब इसको किसी भी तरह से जोड़ दो, या तो प्लस लगा के, या तो फोर माइनस एक्स, या तो फोर इंटू एक्स, या तो फोर बाई एक्स, ऐसे 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 आप किसी भी तरह से लिखोगे, किसी भी तरह से लिखोगे, ये चारों के चारों कोई भी उठा लो, ये सब के सब, इसको कहते हैं हम लोग अलजेब्रिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हिंदी में कहा जाता है बीजीय व्यंजक। अब यहाँ से नया एक क्वेश्चन आपको मिला कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो जब चर मान और अचर मान को गणितीय संक्रियाओं के द्वारा एक साथ रखा जाता है, जब चर मान तथा अचर मान, जब चर मान और अचर मान को गणितीय संक्रियाओं के द्वारा एक साथ रखा जाता है तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। फिर से जरा इंग्लिश में ही बोलते हैं, क्योंकि जानते हो जैसे कि एक मन में उबाल रहता है ना, मेरे मन में भी बहुत दिन से उबाल, हम इंग्लिश नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे हैं, अब ऐसा लगता है बहुत दिन हो गया अब तो इंग्लिश बोलना शुरू करें। कहने का मतलब है कि वेन वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स आर कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन देन दिस होल सिस्टम इज नोन एज अलजेब्रिक स्पेलिंग भी मत जाना, स्पेलिंग गलती होता रहा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये उनके लिए, क्योंकि कुछ वैसे भी विद्यार्थी हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो सीबीएसई बोर्ड से हैं, और सीबीएसई बोर्ड वाले भी मेरा वीडियो देखते हैं, तो ऐसा हम नहीं चाहते कि सीबीएसई वाला को ऐसा लगे कि हम सीबीएसई वाले के लिए नहीं पढ़ा रहे, मेरे लिए दोनों समान हैं, जितना हिंदी वाले उतना इंग्लिश वाले। हम ये नहीं कहते सीबीएसई वाले बच्चे ख़राब होते हैं, बिहार बोर्ड वाले बच्चे ख़राब होते हैं, दोनों ठीक है, दोनों को जिस हिसाब से जैसे पढ़ाया जाएगा, कोई जन्म से ख़राब नहीं होता है, आप जैसे नॉलेज दीजिएगा वैसे सीखेगा। तो हम दोनों को मद्देनज़र रखते हुए बता रहे हैं, हिंदी में बोल दिए कि जब चर मान और अचर मान, यहाँ पर भी वही बात है। देखो वेन माने जब,
अचर मान और चर मान आर कंबाइंड, मतलब रखा जाता है, जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ, किसके मदद से, मैथमेटिकल ऑपरेशन की मदद से, देन दिस होल सिस्टम, उस पूरे सिस्टम को कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल चार को लिख दिए तो 4x, 4x, 4-x, 4+x, और थोड़ा सा समझाते हैं। मालूम है किसका डेफिनेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, मतलब अगर इसके बाद हम आपसे पूछेंगे, अगर कभी आपके सामने मिले, रूबरू मिले ऑफलाइन में, तो पूछेंगे कि बताओ बीजीय व्यंजक किसे कहते, तो वहाँ पे जवाब दीजिएगा कि जब चर मान और अचर मान गणितीय संक्रियाओं के द्वारा एक साथ जोड़ा जाता है या रखा जाता है, तो इस पूरे निकाय को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। इंग्लिश में भी कह सकते हैं कि वेन वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट आर कम्बाइंड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, देन दिस होल सिस्टम इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थोड़ा ध्यान से, कुछ भी हो सकता है, जैसे 4x² चलेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मान लीजिए 3x³ प्लस में 4x+3, ये भी चलेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक आपको और एग्जांपल दे दें, 3√x प्लस 4/x² + 3, ये भी चलेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक आपको और एग्जांपल दे दिया जाए, 4 और x^-4 + 3x^-2 + 4, ये भी चलेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, 4 और x^-4 है, तो इसको समझो x^4 लेकिन बटा में, 3x² मतलब x² लेकिन बटा में प्लस में 4, तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों सेम ही चीज़ है। और ये चारों के चारों जो हम लिखे हैं ना, ये चारों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये चारों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, चारों, ये भी वो भी सब। क्यों, अरे क्यों काहे, उतना मत दिमाग लगाइए, सिर्फ ये सोचिए कि x क्या है वेरिएबल और 4 क्या है कांस्टेंट, तो वेरिएबल कांस्टेंट एक साथ है, किसके मदद से, तो गुना के मदद से, तो गुना भी तो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन चार ही चीज़ तो होवे करता है, जोड़ घटा गुना भाग। यहीं पे देखो, जैसे 3 है और x है, तो 3 और x, इन 3 और x के बीच में गुना का निशान है, तो गुना तो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, भले ही x x x 3 बार आया है, x क्यूब का मतलब 3 बार, अरे तो 3 बार रहे चाहे 10 बार रहे, है ना वेरिएबल्स, और फिर प्लस आ गया, तो प्लस भी तो मैथमेटिकल ऑपरेशन है। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, ज़्यादा आप परेशान नहीं हो, इसलिए जहाँ लिख दे रहे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, अगर हम बार बार बोल रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन हम बार बार रिपीट कर रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता क्या है, जोड़ घटाओ गुना और भागा, कुछ अजीब से दुनिया से तोड़ के आया होगा ना, यही चार चीज़ें मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इसमें जितना भी बोले हैं सब के सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन अब जरा हम आते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बाद पॉलीनोमियल, जो कि चैप्टर है आज का, पॉलीनोमियल हिंदी में बोलते हैं इसको बहुपद, पॉलीनोमियल। अब जरा पॉलीनोमियल देखें तो पॉलीनोमियल के एग्जांपल 4x² होगा, पॉलीनोमियल के एग्जांपल 3x² होगा प्लस 4x + 3 होगा, ये दोनों होगा, लेकिन इसको जैसे ही लिखेंगे 3√x प्लस 4/x² + 3 कैंसल, पॉलीनोमियल नहीं होगा। इसको अगर लिखेंगे 4/x^4 + 3/x² + 4 कैंसल, पॉलीनोमियल नहीं होगा, ऐसा काहे हो गया। तो देखो, हम आपको सब यहाँ एक चीज़, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, या होल नंबर को ही कहा जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। हिंदी भी बोलेंगे, कोई बच्चा बकाएगा नहीं, होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या, और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक, और इंटीजर्स को कहा जाता है पूर्णांक। तो यही चीज़ जो 0, 1, 2, 3 यही तो होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब आप ये कह सकते हैं इसमें कि x चर मान है। आप इसको लिख सकते हैं बहुपद के डेफिनेशन, ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें
चर का घातांक, चर का घातांक एक पूर्ण संख्या के रूप में हो, पूर्ण संख्या के रूप में हो, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को ही कहा जाता अऋणात्मक पूर्णांक, जैसे 0, 1, 2 यही तो है अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक क्यों कहते हैं? क्या अऋणात्मक को हम धनात्मक नहीं कह सकते हैं? एकदम नॉट। क्यों? क्योंकि जीरो जो है ना, ये जीरो, जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो आप अगर ये बोलते हैं कि धनात्मक बोलिए सर, तो धनात्मक पूर्णांक शुरू होता है 1, 2, 3, 4 और ऋणात्मक पूर्णांक शुरू होता है -1, -2, -3। माइनस वाला हो गया ऋणात्मक और प्लस वाला हो गया धनात्मक। तो जीरो क्या है? जीरो धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है? तो एकदम दिमाग में खोल के खोपड़ी को डाल लीजिए कि जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो ना ही धनात्मक कहलाता है ना ही ऋणात्मक कहलाता है। जीरो ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक। तो इसीलिए कहा जाता है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक, घातांक मतलब पावर, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक पूर्ण संख्या के रूप में हो, या बोलो कि अऋणात्मक पूर्णांक हो। अब जरा यहाँ देखिए, ये वाला सही है क्योंकि पावर 2 है, एक्स पे पावर 2 है, एक्स पे पावर 1 है। यहाँ नहीं कुछ तो एक्स टू द पावर 0 है, जीरो पावर है फिर भी चलेगा। लेकिन यहाँ पहुँचते हुए इसको ऐसे लिखा जाएगा 3x⁻। रूट मतलब हम समझाए हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंस फॉर रियल नंबर, उस चैप्टर में हम बोले हैं कि रूट अंडर मतलब पावर कितना होता है 1/2। जैसे ही पावर हाफ हो गया तो हाफ तो पूर्णांक है ही ना, हाफ तो पूर्णांक ही नहीं, धनात्मक का ऋणात्मक तो बड़ी दूर की बात है। तो जब एक्स रूट में रहे, रूट वाला कोई भी नंबर रहे, समझ जाना बहुपद में। और क्या खराबी है कि एक्स बटा में, जैसे जब देखो ना भाई x⁴, अगर इसको सही से लिखा जाएगा तो ऐसे बोलेंगे 4 x⁻⁴। हम बोले थे ना कि अऋणात्मक पूर्णांक हो, अऋणात्मक, यहाँ तो माइनस आ गया। हम तो कह रहे हैं कि अऋणात्मक पूर्णांक हो, या तो बोलो पूर्ण संख्या, तो ये तो अऋणात्मक थोड़ो है, ये तो ऋणात्मक हो गया, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ये थोड़ो है, दिस इंटीजर्स विल बी नेगेटिव, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, और जब नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा सो वी कैन से दैट दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विल नॉट बी अ पॉलीनोमियल। यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कभी भी पॉलीनोमियल नहीं होगा। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल तभी कहलाएगा जब उसके चर मान पर पावर हमेशा अऋणात्मक हो, धनात्मक हो चाहे नहीं हो। जैसे जीरो, जीरो को हम लोग धनात्मक नहीं बोल सकते लेकिन ऋणात्मक भी नहीं कह सकते। तो अऋणात्मक नहीं हो इस पे ज़्यादा जोर देना, धनात्मक है या नहीं उस पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो बोलो ना कि पूर्ण संख्या अऋणात्मक का धनात्मक के फिर हम क्यों टाइम बर्बाद करें, डायरेक्ट बोलिए पूर्ण संख्या। जैसे और एक दो एग्जाम्पल देते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि बहुपद और बीजीय व्यंजक में अंतर क्या होता है। बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक है, बहुपद बहुपद है। आज का क्वेश्चन रहा, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, आप अपने कॉपी में क्वेश्चन लिख लीजिए। हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दीजिएगा। ध्यान से सुन लीजिए, क्या सभी बीजीय व्यंजक, क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद हो सकते हैं? दिमाग पर जोर डालो, क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद हो सकते हैं? अपने दिमाग पर जोर डालिए। जोर डालने के इन्हें मतलब है कि पता चल रहा है कि एकागो लोढ़ी पार्टी लेके माथा पे मार लिए, वैसे इनका जोर नहीं देना है। मतलब ठीक है, सोचिए समझिए, सार्थ कीजिए दिमाग को, क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद हो सकते हैं? जितना भी बीजीय व्यंजक है वो बहुपद हो सकते हैं। इंग्लिश वाले अगर स्टूडेंट है तो कह सकते हैं कि मे इट पॉसिबल या मे द ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बी पॉलीनोमियल्स, यस और नो। आप जवाब दीजिए कि क्या सभी बीजीय व्यंजक पॉलीनोमियल हो सकते हैं? पहला जवाब,
हाँ या नहीं मैसेज देना है। पहला लिख के जैसे एक नंबर लिख के बोलिएगा यस और नो, इतने बोलना। दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी पोलिनोमियल, जितना भी पोलिनोमियल्स है, क्या सभी पोलिनोमियल्स तो बहुपद, हिंदी में बोलते बहुपद, क्या सभी बहुपद बीजीय व्यंजक हो सकते हैं? पहले क्या बोले थे, क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद हो सकते हैं, और अब बोल रहे हैं क्या सभी बहुपद बीजीय व्यंजक हो सकते हैं। क्वेश्चन को लिख लीजिए और दोनों का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, हाँ या नहीं। अब जरा हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, तो पूरा इंट्रोडक्शन की क्लास थी। या चलिए अभी और आगे लेके चलते हैं, अभी पूरा कहाँ हुआ। अब पोलिनोमियल को दो हिस्से में बांटा गया है, अभी तक तो पोलिनोमियल पे ही हम पहुँचे हैं। पोलिनोमियल को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक हो गया घात के अनुसार और दूसरा हो गया पद के अनुसार। इंग्लिश में कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पावर या इंडेक्स, और इसको कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। सोचते हैं, देखो घात के आधार पे बहुपद मेनली तीन तरह के, मेनली तो तीन तरह के बोलते हैं, अब चौथा घिस दे तो अलग बात है। पहला होता है एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद। तीसरा होता है त्रिघातीय बहुपद। चौथा भी होता है, चौथा को कहा जाता है चतुर्थ घातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद। पद के अनुसार अगर देखा जाए तो भी मेनली तीन तरह से, इसे चौथा भी कह सकते हैं। पहला होता है एक पदी बहुपद, दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद, चौथा चतुर्थ पदी को छोड़ो, बस इतने पकड़ के रखिए। एक घातीय बहुपद को हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलीनोमियल, द्विघातीय को कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, और त्रिघातीय को कहते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल, और चतुर्थ घातीय को कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब जरा पद के हिसाब से देखिए, एक पदी को इंग्लिश में कहा जाता है मोनोमियल, द्विपदी को कहा जाता है बाइनोमियल, और त्रिपदी को कहा जाता है ट्राइनोमियल। तो पॉलिनोमियल को दो आधार पर बांटा गया है, एक आधार है घात और दूसरा है पद के आधार पर। हालांकि पद के आधार पर तो ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा, उसको लिखाने की भी ज़रूरत नहीं, तो समझाते समझाते ही आप समझ जाइएगा। पद के आधार पे अगर समझा दे तो ऐसे ही समझ जाओ, ये भी समझ जाओ, ये भी टफ नहीं है, हम दोनों समझा ही देते हैं। डेफिनेशन आप खुद से लिख लोगे, या कहो हम एक एक करके लिख देते हैं सबका डेफिनेशन घात के अनुसार, सब तो लिख लिए होंगे, इन सब चीज़ों को मिटाते हैं, ठीक है, सब मिटाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सब हटा, सब नाइन्थ पॉइंट सब हटा। देखिए मान लीजिए कि अगर घात के हिसाब से देखा जाए, जैसे पहला है एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, तो हम लोग हिंदी में पहले बोल देते हैं वैसा बहुपद जिसमें चर का घातांक, या कहो चर का अधिकतम घातांक,
अधिकतम घातांक को डायरेक्ट बोलो ने घात, उतना टेंशन क्यों है, अधिकतम घातांक को ही घात बोलते हैं। वैसा बहुपद जिसमें चर का घात एक होता है, अगर घात नहीं बोलते तो आपको बोलना पड़ता फिर अधिकतम घातांक। अधिकतम घातांक को ही तो कहते हैं घात, अधिकतम घातांक इसी को कहा जाता है घात। इंग्लिश वाले जो छात्र होंगे वो भी लिख लेंगे, द पोलिनोमियल, जो सीबीएसई बोर्ड वाला होगा, द पोलिनोमियल इन विच द मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1, किसके बराबर, 1 के बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड, लास्ट में जोड़ दीजिएगा, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, हिंदी में कह सकते हैं एक घातीय बहुपद। जैसे समझो ये लिखते हैं 3x+4, यहाँ आपको ये नहीं देखना है कि दो गो है, बस एक्स पर पावर चेक करना है कितना है, एक है। अब जैसे ही पावर एक है मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे कि 4x खाली एक हो दे दी, बस पावर चेक करो कितना है, एक हो तो लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे सिंपल मान लेते हैं कि वाई है, या फिर मान लो कि 55y, कुछ भी रहे, देखो चेक ये करना है कि वाई पर पावर कितना है। आप घात चेक कर रहे हैं, एक घात ये, तो अगर पावर एक है मतलब एक घात ये, कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि 5y प्लस में या माइनस में 3, तो दो गो है सर, एगो दो गो नहीं देखना है, बस यहाँ पर पावर चेक करना है कि पावर कितना है, एक है। अगर पावर एक है मतलब हिंदी में बोलते हैं घात एक है, अगर घात एक है तो इसको बोलेंगे एक घातीय बहुपद, और एक घातीय बहुपद को ही हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। और ये बात एकदम माइंड में फिक्स कर लो कि सब बहुपद है। कुछ लोग बोल देते हैं ये समीकरण है, देखो बाबू ये समीकरण तब तक नहीं होगा जब तक हम इसको इक्वल टू 0 नहीं कर देते हैं। जब किसी भी बहुपद को आप इक्वल टू 0 लिख दीजिएगा ना, तो बहुपद फिर बहुपद नहीं रहेगा, वो फिर समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप ऐसे ही लिख के छोड़ दे रहे हो तबे तक ही बहुपद की गिनती में होगा, जैसे ही आप बराबर दे के 0 लिख दिए तो बहुपद एक खत्म, फिर वो समीकरण में कन्वर्ट हो गया। बहुपद तभी तक कहलाता है जब वो इक्वल टू 0 नहीं है, जैसे कहीं भी इक्वल टू 0 नहीं दिए, यहाँ दिए तो काट भी तो दिए कि बहुपद नहीं है, फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया। अगर इक्वल टू 0 दे देते हो तो याद रखना वो बहुपद नहीं रहता, ये कन्वर्ट हो गया रैखिक समीकरण में, फिर ये बदल गया रैखिक समीकरण। पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में कि रैखिक समीकरण क्या होता है, ये बहुपद नहीं रहा। तो फिलहाल तो आप ये समझे कि रैखिक बहुपद क्या होता है, वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घातांक एक हो, इंग्लिश में कह सकते हैं द पॉलिनोमियल इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। एक और डिफिनेशन हो गया, जरा दूसरा आ जाए, द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद वही है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, अब द्विघातीय दो तीन बार रिपीट कर रहे हैं जब आप समझ जाए, द्विघातीय इंग्लिश में कहा जाता है क्वा ड्रेट्रिक पोलिनोमियल, पता है द्विघातीय बहुपद क्या, सिंपल वैसा बहुपद जिसके या जिसमें चर का अधिकतम घातांक। डेफिनेशन इसलिए लिखते हैं ना क्योंकि समझ बूझकर बहुत सारे बच्चे नहीं लिख पाते हैं। चलो भाई आपके सामने लिख दे रहे हैं, लिखते लिखते आप लिखने के लिए भी सीख जाइएगा, दूसरा समझ में भी आ जाएगा। वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घातांक 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इंग्लिश में कह सकते हो द पॉलिनोमियल इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे समझो
फॉर एग्जाम्पल जैसे 4x² + 3x + 9, अभी कुछ बच्चे को लगेगा कि तो 3 गो है सर, 1 गो 2 गो 3 गो। तो देखो बाबू, अगर 3 गो रहेगा ना तो हम पढ़ाएंगे। जब इधर वाला देखो, यहाँ पे है त्रिपदी, अगर 3 गो पद है तो उसको त्रिपदी बोलो। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा, अगर पद के हिसाब से आप सोचते हो तो आप इसको कहेगा कि त्रिपदी बहुपद है, मतलब त्रिपदी बहुपद है। त्रिपदी इंग्लिश में ट्राइनोमियल, पद के हिसाब से अगर देखोगे तो ट्राइनोमियल है। कैसे देखो, वैसा बहुपद जिसमें 3 पद, नामे से पता चल रहा है, त्रि मतलब 3, पद मतलब पद, तो ट्राइनोमियल हो गया त्रिपदी। लेकिन जरा होश में आइए और घात के हिसाब से देखिए, पावर कितना, सबसे बड़ा पावर 1, 2, सबसे बड़ा पावर 2 है, और अगर 2 सबसे बड़ा पावर है तो इसको बोलेंगे 2 घातीय बहुपद। अच्छा एक मिनट, 2 घातीय बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो, हम दोनों बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि पावर 2 है, मतलब 2 घातीय बहुपद है। और ट्राइनोमियल क्यों है? ट्राइनोमियल मतलब त्रिपदी, क्योंकि 3 गो पद है। जरा ऐसे सोचो, 3x² + 4। अब घात के हिसाब से इसको देखिए, थोड़ा घात के हिसाब से, घात मतलब पावर के हिसाब से, पावर कितना है? 2। और अगर पावर 2 है, अगर पावर 2 है, 2 पावर है, 2 पावर है, तो जाहिर से बात है 2 घातीय बहुपद हो गया। अगर 2 पावर है तो 2 घातीय बहुपद। हाँ, पद के हिसाब से देखो, 1 और 2 कई गो पद है, कई गो नज़र आ रहा है? 1। पद गिना जाता है प्लस या माइनस में, गुना में नहीं। इन्हें पता चला 1 गो 2 गो ऐसे ना, 1 गो है और 2 गो है, प्लस माइनस। तो पद के हिसाब से तो हम बोलेंगे कि 2 पदी बहुपद है। मतलब कोई भी बहुपद को आप 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं पद के आधार पे। और इसको 2 पदी को इंग्लिश में कहा जाता है बाइनोमियल, बाइनोमियल। और 2 घात को इंग्लिश में लिखेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो आप ये समझे कि क्वाड्रेटिक का 2 पदी में क्या अंतर है? 2 पदी बहुपद मतलब जिसमें 2 पद हो। और सेम चीज़ आप देख रहे हैं, ये 2 घातीय भी है, 2 घातीय क्योंकि पावर 2 है, 2 पदी इसलिए क्योंकि 2 पद है। अच्छा एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल कंसीडर कीजिए, थोड़ा सा बस इतना सा जाएगा। हम लिख देते हैं 3x². अब जरा बताइए, पावर 2 है तो हम बोलेंगे कि अगर पावर 2 है इसका मतलब ये वाला 2 घातीय बहुपद हो गया। इंग्लिश में बोलो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। लेकिन लेकिन ये पद का एगो है, सिंगल है, एगो है। अगर एक ही पद है तो हम लोग इसको बोलेंगे कि साथ साथ 1 पदी बहुपद है, इंग्लिश में मोनोमियल। मतलब कोई भी बहुपद को आप 2 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर पावर चेक करते हो तो 2 है तो 2 घातीय बहुपद, पद देखते हो 1 हो तो 1 पदी बहुपद। मतलब घात के हिसाब से यही 2 घात बहुपद है, लेकिन पद के हिसाब से 1 पदी बहुपद है। तो बहुपद को हम 2 नज़रिए देख सकते हैं, घात के आधार पे और दूसरा पद के आधार पे। दोनों हम समझा दिए हैं। अब जरा तीसरे नंबर पे आते हैं, 1 घातीय बहुपद मिट जाओ, 2 घातीय बहुपद तो हो ही गया, अब 3 घातीय बहुपद सेम चीज बा। अब तक तो आप समझ गए होंगे थर्ड नंबर में हम क्या बोलने वाले हैं, इतना भर तो दिमाग आपका दौड़ गया होगा। जैसे 3 घातीय बहुपद, 3 घातीय बहुपद इंग्लिश में इसको कहा जाता है क्यूबिक, देखिए है ना, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलीनोमियल। हम दोनों ही भाषा में बोलेंगे, पहले तो हिंदी में बोल देते हैं कि 3 घातीय बहुपद किसे कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घातांक 3 होता है उसे 3 घातीय बहुपद कहते हैं। इंग्लिश में भी जरा लिख देते हैं, द पॉलीनोमियल इन विच द मैक्सिमम पावर
मैक्सिमम पावर और वेरिएबल इज इक्वल टू 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या है जिसमें सबसे बड़ा पावर 3 होगा? फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3x³, मान लो 4x³ प्लस 4x² प्लस में 3। सपोज दैट 3x³ माइनस में 4x² प्लस में 3x प्लस में 9। फॉर एग्जांपल 3x³ और माइनस में 5। चार को एग्जांपल दिए, चारों में अगर आप सबसे बड़ा पावर चेक करोगे, सबसे बड़ा पावर यहाँ पर बड़ा पावर क्या है 3, और जैसे ही बड़ा पावर 3 है तो जाहिर सी बात है कि कौन सा बहुपद हो गया, त्रिघातीय बहुपद, क्योंकि बड़ा पावर 3 था त्रिघातीय, इसमें भी सबसे बड़ा पावर कौन हो गया 3, तो हम लोग इसको बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। इसमें भी सबसे बड़ा पावर 3 है तो त्रिघातीय बहुपद, त्रिघात इसमें सबसे बड़ा पावर 3 है तो त्रिघातीय बहुपद हो गया। तो चारों के चारों एग्जांपल से त्रिघातीय बहुपद के। अब जरा त्रिघातीय को इंग्लिश में तो आप समझते हैं क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक इंग्लिश नहीं लिखे हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिख लीजिएगा अपने से, घात के हिसाब से तो देख लें। अब जरा पद के हिसाब से, कई पद हैं, एक के गो तो है, तो एक गो है तो एक पद ही बहुपद, एक पद ही को हम लोग कहते हैं मोनोमियल, मिट गया है। यहाँ पे एक दो तीन गो है तो तीन गो है, तीन पद है इसलिए बोलेंगे त्रिपद ही बहुपद। एक दो तीन चार गो है, अब चार गो है तो जाहिर सी बात ही हो जाएगा चतुर्थ पद ही बहुपद, और यहाँ तो दुहे गो है तो इसको बोलेंगे द्विपद ही बहुपद। तो पद के हिसाब से भी ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ चुका होगा, और घात के हिसाब से भी ऐसे हम बोल देते हैं एक पद ही बहुपद। देखो इसका डिफिनेशन नहीं बोलेंगे, क्यों, खुद से लिख लेना, वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घातांक 4 हो, चतुर्थ घातीय मतलब 4 हो। अब जरा इधर देखो, एक पद ही बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पद ही बहुपद कहते हैं, लिख देते हैं। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो त्रिपदी बोलिएगा, वैसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, वैसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एक वो इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, द पॉलीनोमियल इन विच ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अगर एक ही पद है तो ये मोनोमियल हो गया, अगर यहाँ पे वन के बजाय टू हो जाएगा तो बाइनोमियल, अगर वन के जगह पे थ्री हो जाएगा तो ट्राइनोमियल। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहा, आप जरा हमको ये बताओगे, ठीक है, हमको ये बताइए कि 7x² - 3, पहले तो ये बताइए, बस दो ही गोती है, चलो हटाओ 4 दे दिए, हमको ये बताओगे फर्स्ट नंबर में कि कौन सा बहुपद है और दूसरा नंबर में कौन सा बहुपद है। एगो तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पावर, अब दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब दोनों के बारे में हमको बताइएगा कि आखिरी कौन सा बहुपद है, पहले जरा ये बताइए कि पावर के हिसाब से, और दूसरा जरा ये बताइए टर्म के हिसाब से, मतलब पद के हिसाब से, पहले घातांक के हिसाब से फिर पद के हिसाब से कि कौन सा बहुपद। तो आज का क्लास सिर्फ बहुपद के बारे में इंट्रोडक्शन वाला क्लास था, जो भी हम बताएं वो सिर्फ बहुपद के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन दिए, बाकी इस पे जो भी बेस्ड क्वेश्चन है वो कल से बताएंगे। तो जो भी नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे कि आपके पास पर डे टाइम पर 2 बजे वीडियो पहुँच जाए, क्लास पहुँच जाए आपके पास। और जो पुराने हैं वो लाइक कर दीजिएगा, अगर बहुत अच्छा लगे तो किसी को हो सके तो 2 लोगों को शेयर कर देना, इसको नहीं मालूम है उसको पता चल जाएगा। तो आज यहीं तक, आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट।